उद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से अक्सर कई मजाकिया वीडियो भी शेयर किए जाते हैं। हाल ही में उनके ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुआ एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें चीनी कोरोना वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया है। गोयनका ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें सबसे पहले एक शख्स अंग्रेजी में बता रहा है कि उसने चीनी कोरोना की वैक्सीन ली है। शख्स आगे कहता है कि उसे फिलहाल कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये बोलते बोलते उस शख्स की आवाज़ और तस्वीर बदलने लगती है। धीरे धीरे शख्स कोई अलग ही भाषा बोलने लगता है और उसका चेहरा भी पूरी तरह से बदल जाता है। पूरा वीडियो देखने से पता चलता है कि इसमें मजाकिया अंदाज में चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन पर तंज कसा गया है। इस वीडियो पर लोग मजेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक शख्स ने इस पर लिखा है कि ये दूसरी भाषा सीखने का अच्छा तरीका है। आपको बता दें कि चीन के कोरोना वैक्सीन की प्रामाणिकता पर कई एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक से कम 73 तरह के साइड इफेक्ट लोगों को हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Hi everyone, it's Irfan here. Hope you guys are all well. Just to all let you know that I have taken my coronavirus jab, the Chinese one, and it's very, very good. You know, there's not too much side effects at the moment, but I think I'm beginning to think about how I'm going to present myself at work and also all these side effects. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.